हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल जो है स्विमिंग बाय मनी। टेक्निकल लवली मनी चैनल का लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज का जो मैं ब्लॉग शूट करने वाला हूँ, इसमें बहुत खास बात है और आपके लिए सरप्राइज़ भी है। सरप्राइज़ क्या है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बल्कि आपने वो चीज़ बतानी है और जो सबसे पहले बताएगा सही टाइम मेरे जो उस चीज़ का वीडियो का वीडियो में किस टाइम पर आई है और कौन सी चीज़ है वो आपने बतानी है। हिंट दे देता हूँ मैं, वो वीडियो बनाने में काफ़ी कारगर रहती है। दो चीज़ें हैं जो आपस में अटैच है, ठीक है। वो वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्पफुल करती है, काफ़ी हेल्प होती है उनकी वजह से। तो मोस्टली वो जो यूट्यूबर है या टिकटॉकर है उनके सबके पास होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपने मुझे बतानी है किस टाइम पे वो आई है, मतलब किस टाइमिंग पे, हाँ इस टाइमिंग पे वो आई है। तो क्या चीज़ का नाम है, दो चीज़ें हैं, अटैच है आपस में, एक बार फिर बोल रहा हूँ, वो पूरी वीडियो में कहाँ पे आई है। वीडियो कोशिश करूँगा छोटी से छोटी बने। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अभी जस्ट उठाऊँ तो अभी जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। और हाँ, एक चीज़ और बात रखना, वीडियो जब आप कमेंट करोगे, कमेंट करने के साथ साथ एक चीज़ याद रखना कि मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना। और साथ के साथ अपना मेरा व्हाट्सअप पर्सनली व्हाट्सअप नंबर भी लिखा हुआ है। आपने जो कमेंट करना है, बाकायदा चीज़ का नाम, दो चीज़ें हैं, दोनों का नाम लिखना है, बकायदा टाइमिंग लिखनी है किस टाइमिंग पे वो चीज़ मेरी वीडियो में आई है, ठीक है। रैंडमली जो सबसे पहले कमेंट आएंगे, मैं उन्हीं कमेंटों का रिप्लाई करूँगा, मैं उनको कॉल करूँगा, बकायदा उनकी दो चीज़ें जो उनकी तो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनका मैं जवाब दूँगा। और साथ ही साथ देखते हैं और क्या सरप्राइज है आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉगिंग अच्छी लगी तो लाइक करना, पूरी ब्लॉगिंग गौर से देखना, वो कहीं पे भी आ सकती है, ये बात नोट रखना। तो ब्लॉगिंग छोटी रहेगी, चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा सारा खाना खुना हो गया है, पर ब्लॉगिंग नहा धो लिया, सारा कुछ कर लिया है और अभी हम शॉप पे जाएंगे। शॉप पे जाने से पहले ना मैं ये कैमरा माउंट कर रहा हूँ, एक सेकंड लगेगा माउंट करने में मुझे ये बाइक पे, ठीक है। बाइक पे आज मैं लगाऊंगा इसको, देख लेना आप कितना टाइम लगता है इसको बाइक पे लगाने के लिए। बाइक की टैंकी पे लगाऊंगा क्योंकि जब मैं फ़ोन के साथ शूट करता हूँ तो उसमें रहता है रिस्क, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं इसको माउंट कर रहा है। तो चलो माउंट करें। सही एंगल नहीं आला, देखो जो टैंकी है, टैंकी में यहाँ वो फिट नहीं बैठ रहा, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ लगाऊँ तो कैमरे का व्यू कौन सा आएगा, ये चेक करने के लिए मैंने इसको बाहर निकाला है। यहाँ पे लगा के अब देखूँगा इसको कि कैसे रहता है वो, क्या एंगल रहता है। तो बढ़िया एंगल आना चाहिए ना, तो इसलिए अब देखो फॉरवर्ड में।
फ्रेंड्स फाइनली मैंने इसको माउंट कर दिया है। बड़ा आसान था माउंट करना है इसके ऊपर। तो इसका कौन सा एंगल आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। तो ये अभी आप बैक कैमरे से देख सकते हो। अभी मुझे नहीं ये पता कि रोशनी में कैसा दिखेगा कैसा नहीं दिखेगा। दिख रहा है, देख सकते हो। अभी इसके अंदर से आप देख रहे हो मेरी बाइक का एंगल ये वाला आएगा, ठीक है। और अभी ये हेलमेट पे माउंट करना है और इसका भी थोड़ा शूट आपको लेके दिखा देता हूँ कि ये शूट इसका है, ठीक है। ये क्लिप है और ये शूट स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके सॉरी एंगल चेंज और ये अभी कैमरा आएगा इसका, ये कैमरा करे शूट, ठीक है। बस ये कैमरा हमने माउंट कर दिया, ये वाला एंगल आएगा इस पर, ठीक है। तो ये देख सकते हो अभी इसमें ये शूट आएगा। तो मुझे तो पता कैमरा कैसा दिख रहा है कैसा नहीं दिख रहा है, पर हाँ एंगल थोड़ा ठीक है। इसको माउंट को स्विच ऑफ कर देते हैं, ओके। और इसको निकालना कैसे ऊपर करके, इसको आप हल्का सा आगे पुश करोगे तो ये निकल जाएगा और इसको निकाल के हम ले जाएंगे और एंगल ये ऐसे ही रहेगा। तो चलो ये अपना फिट हो गया, अब मुझे शूट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं शॉप पे, ठीक है। अब आपको बड़े बड़े शॉट में लग रहे हैं, ये हमने माउंट कर दिया है। अब ये हेलमेट पे माउंट करना और मुश्किल है क्योंकि मेरा हेलमेट है तिखा, अगर गोल होता तो आसानी से हो जाता, इसका तिखा है तो उसके कारण दिक्कत होगी। तो चलो आज के ब्लॉग में आपको दिखा दिया माउंट कैसे करते हैं, जब हेलमेट में माउंट करेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलो बाकी चलते हैं शॉप पे जल्दी जल्दी। पे आ गया हूँ शॉप पे, मैंने सारी सेटिंग कर ली है, मतलब कि अभी साफ सफाई करने के बाद मैंने ये शूट कर रहा हूँ ब्लॉग। और सीन है कुछ ऐसा कि मेरा जो कैमरा था वो बीच में उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, तो बस ये गिर गया। बाकी देखते हैं कि आज का ब्लॉग मैंने कोशिश किया है, इसमें माउंट कैमरा किया है और मैं सबसे पहले सैमसंग केयर किया था, मैं सीधा शॉप पे नहीं आया, वैसे तो सैमसंग सर्विस सेंटर गया था। और सर्विस सेंटर पे जाने के बाद मैंने मेरे इस फ़ोन में दिक्कत आ रही थी कि ये ना चार्ज होते टाइम के वाले चार्जर क्या करता था, फास्ट चार्जिंग शो करता था पर ढाई घंटे ले लेता था चार्ज होने में। तो सॉफ्टवेयर का इशू था और सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट कर दिया, पहले उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे तो सारा डाटा उड़ जाएगा। मैं ऐसे कैसे उड़ जाएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट करने में डाटा कभी उड़ता ही नहीं है, जब आप रीसेट करोगे तभी उड़ेगा। तो कहते जो भी है मैं उड़ा दो, कोई चक्कर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगेगा 1% पे जितना मैंने शूट किया है मॉर्निंग से लेके अब तक का, तो वो सारा उड़ जाएगा। पर मुझे पता था सॉफ्टवेयर से नहीं उड़ता, वो यहाँ पे जो लड़की बैठी थी उसको नहीं पता होगा कि हाँ भी उड़ जाता, पर 1% चांसेस रहता भी है, अगर कोई बग हो जाए कोई दिक्कत हो जाए तो डाटा उड़ भी जाता है, ठीक है। तो फिलहाल इसका डाटा नहीं उड़ा तो मैं ये आगे शूट कर रहा हूँ। अभी मैं शॉप पे आ गया हूँ, बस अभी शॉप पे थोड़ा गर्मी है और सरकार ने ये रूल कर दिया है कि अब आप शॉप पे, मतलब कि रेगुलर शॉप खुलेगी और 6 बजे तक खुलेगी, मतलब कि मॉर्निंग सुबह 9 बजे से लेके या 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक शॉप खुलेगी, ओपन रहेगी। तो काफ़ी सहूलत मिल गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यही सीन चल रहा है। और ब्लॉगिंग में मैं यहाँ बैठ के मैं काम करता हूँ, यहाँ मेरा टेबल रहता है, ये टेबल तो यहाँ आपको पता ही है, मैं लेमिनेशन करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी ओवरऑल ओके है शॉप, आप देख सकते हो पीछे YT यूट्यूबर मनी लिखा हुआ है। और यही मैंने फेसबुक के अपना क्या कहते हैं पबजी की जो गेमिंग नाम है ना उस पे मैंने ये लिखा हुआ है अब यूट्यूबर मनी के नाम से मेरी आईडी, मेरे ख्याल से मेरी आईडी वही होगी जो नाम है, तो यूट्यूबर मनी नाम रखा हुआ मैंने। अब मेरी फेसबुक आईडी में पता नहीं, नाम शायद आईडी वही होगी, मुझे शायद पता नहीं है। बाकी सीन सही है और बस ये सीन हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठ के थोड़ी सी बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स दुकान पर हूँ, तो अभी सीन क्या है, ये मेरा कैमरा होल्डर है तो इसके ऊपर वैसे वो टेप सी लगी होती है, मतलब कि वो ढूंढरी सी होती है, वो इसकी नहीं है। तो मैंने इसको ना वो ये वाली स्टिक लगाया होता है, तो अभी ये इसकी उतर चुकी है, मैंने उतार के इसको फेंक दिया, आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। मैंने ये लगाया हुआ था, ये काफ़ी टाइम तक तो इसकी लाइफ कम ही होती है,
तो ये मतलब कि 6 महीने तक चल गई ये, ठीक है, जब मैं गीता जयंती के ब्लॉगिंग शूट कर रहा था तो ये मैंने लगाया और ये निकल गई। अब मैं इसको दोबारा से लगाऊंगा, मतलब कि यहाँ पे ना ऐसे लगा देता हूँ, इससे क्या होता है कैमरा स्लिप नहीं होता, कवरिंग अच्छी होती है कैमरे की। तो बस अभी ये सीन चल रहा है और ब्लॉगिंग अपनी चल रही है, अभी मैं इसको लगा दूंगा अच्छे से ताकि ये अपना क्या कहते हैं ग्रिपिंग अच्छी करे, मेरे फ़ोन गिर के टूटे ना। इसको लगाने के बाद मैं चाहे ये एंगल लूँ, कुछ एंगल लूँ, ये ऊपर वाला अगर आप ऐसे लगाओगे तो आपका फ़ोन गिर जाएगा, गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो उसके लिए टिप्स दे देता हूँ, आप इसके ऊपर टेप लगा सकते हो, पर मेरे लिए सबसे बेस्ट ये है, ठीक है ना। हीट गन है, इसको गर्म करना है, गर्म हो रही है, ठीक है, इसको अच्छे से गर्म करना है ताकि ये अच्छे मतलब की दिक्कत ना करे। जितनी गर्म रहेगी उतनी इसकी ग्रिपिंग ज़्यादा रहेगी, मतलब कि इसके ऊपर ग्रिपिंग अच्छी रहेगी। और ये अभी देखो ये थोड़ा सा निकला है, इसको यहाँ पर लगा देना है, ऐसे करके लगा देंगे हम, पर इसको मैं चाहता हूँ अच्छे से गर्म होकर लगाए। तो ये माउंट करने में काफ़ी हेल्प करता है कि कैमरा ना। तो अभी ये मैं दूसरा यूज़ कर रहा हूँ, तो हाई गर्म, ये गर्म भी होता है, इसको आप मतलब कि कर सकते हो ब्लॉगिंग में। तो बस यही सीन है, बाकी आपका बताओ। और ये ब्लॉगिंग में छोटा से छोटा करने वाला हूँ, कोशिश यही है कि छोटे से छोटा रहे। बाकी ये ब्लॉग शॉप पे ही फिनिश कर दूँगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, शॉप पे यही शॉप पे ही ख़त्म कर देंगे ताकि ये लंबा ना बने। बाकी अब ये जल्दी जल्दी गर्म हो जाए और उसके बाद हम करेंगे इसको, इसको फिट करके इसके ऊपर लगा देंगे। तो भी ये गर्म हो जाए, गर्म हो जाए। हीट गन वैसे काफ़ी बढ़िया आती है। और ये मेरा एक्शन कैमरा जो अभी बैटरी डाउन है, और अभी मैंने लेवल यू लगाए हुए हैं चार्ज पे, और ये 1 से 1.5 घंटा लेते हैं चार्ज होने में। और बस यही सीन है, शॉप पे बैठे हैं और ये एक्शन कैमरा है। और एक चीज़ और बताऊँ, जिसके कैमरे के ऊपर ना स्क्रैच पड़े हो, जैसे सपोज करो कैमरा लेंस के ऊपर कहीं स्क्रैच पड़ जाते हैं ना, वो सोचते लेंस चेंज करवाना, तो लेंस चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। उस कैमरे के ऊपर ना आप लेमिनेशन करवा दो, अगर आपका कैमरा थोड़ा थोड़ा धुंधला आ रहा है तो वो लेमिनेशन का आप थोड़ा लगा देना पेपर, तो एकदम शार्प आएगी, ठीक है। जब उसके ऊपर स्क्रैच पड़ गया फिर उसको उतार के आप नया लगाओगे, एकदम ओके रिपोर्ट आएगी। हालांकि जो आपका धुंधला आ रहा है नए कैमरे पर नहीं, जिस पर स्क्रैच पड़े हुआ उस कैमरे पर, तो ये मुझे लगता है वही गर्म तो हो गया, काफ़ी हीट हो गया। तो अब हम कर्म शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम पहले इसको यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे इसलिए ग्रिपिंग कर रहा हूँ इसकी क्योंकि ये यहीं से ज़्यादा मोट रहता है। तो इसको कर दो, इसको अच्छे से ग्रिप कर दो, कवर कर दो, ताकि मेरा फ़ोन जो महंगे वाला फ़ोन है वो दिक्कत ना करे, जो सूखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता। मैं तो इसको पूरा कवर कर देता हूँ जिसकी वजह से मेरा फोन थोड़ा वैल्यू फोन हो जाता है, सेफ्टी बन जाती है इसकी। ये गर्म होने के बाद इसको पूरा ग्रिप कर लेगा ये अच्छे से, ये अपन छोड़ना नहीं, कोई भी एंगल छोड़ा जाए इसका, ये सारा इससे स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बिना कवर के इसके ऊपर फोन लगाते ना तो फोन के ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ते, ये बेनिफिट है इसका ब्लू कलर का। जैसे कि होता है कि बिना कवर के फोन लगाते हैं तो वो जो डंडी होती है ना, वो स्क्रैच जाने के चांसेस रहते हैं। देखा मेरे ब्लॉग में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। देखो अब मैंने इसको, अरे ये लाल मैंने इसको कर दिया टर्न, कहीं कोई एंगल तो नहीं रह गया, ये देख सकते हो आगे से मैंने इसको डन कर दिया है, ये हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको नीचे से करूँ, नीचे से करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है, तो नीचे से बेस्ट ट्रिक ये है कि आप इसको आगे आगे से ऊंचा रखो और पीछे से नीचा रखो। अगर आप इसको आगे आगे से ऊंचा रखोगे तो ये ग्रिपिंग क्या कहते हैं जो फ़ोन है ना वो ग्रिप अच्छा हो जाएगा इसमें। अगर आपने इसको पीछे से ऊंचा कर दिया तो फ़ोन आगे को बार बार आएगा, तो हमने फ़ोन को आगे को नहीं लेके आना, इसको भी पूरा कवर कर दिया जाएगा। हमें शो से कुछ लेना देना नहीं है, वो आपने 5 मिनट वाली देखी होगी ना, वो 5 मिनट में वो बना देते हैं, वो सारा फेक होता है, 5 मिनट में कुछ नहीं होता। देखो मैंने इतनी सी गन हीट गन करने के लिए कितनी कवर कर दी, ज़्यादा हीट हो गया, इसको बंद कर दिया जाए, अभी ज़्यादा हीट हो चुकी है और अब मुझे इसको सेट करना है। अगर मैंने इसको सेट ना किया तो दिक्कत होगी, कैमरा मेरा कैमरा यहाँ से नीचे ऊपर आ जाओ, यहाँ से नीचे इधर हो, इधर से इधर, अरे यार अंदर भी सेट कर लगाने, ऊपर जितना गर्म है स्किन के साथ जुड़ गया, स्किन को उतार गए, जुड़ गया सर, आई ये थोड़ा निकलने लग गया, पर मुझे इसका एडवांटेज या नुकसान नहीं है। एडवांटेज ये है कि ये ना अब अच्छे से ग्रिप कर लेगा इसको, इसको अंदर भी सेट लगाना चाहिए ना, बस ये अंदर मैंने इसलिए लगा दिया ताकि ये ना अंदर से इसको इसकी लाइट पड़ जाए, ये उंगली के साथ हुई 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 लाड़ी दी जान, उंगली में लग गया, देखो सड़ गया हाथ मेरा, कोई बात नहीं इतना मैं ब्लास्ट कर लेता हूँ, ये बिल्कुल नटना कैसा हो गया। देखो गर्म हवा मारा हूँ, गर्म हवा, वैसे मेरे पास गर्म हवा मारने के लिए ये भी है,
ये देख सकते हो, इससे मैं हीट देखता हूँ, पर इससे ये उल्टा मेल्ट हो जाएगा, ये ज़्यादा गर्म हवा मार देगा। देखो मैं ये ज़्यादा गर्म हवा मार के उल्टा इसको ठंडा कर देता है। वैसे मैं जो वो है ना वो भी यूज़ कर सकता था इसको बड़ा। वैसे अगर मैं इसको लगाने के बाद तुरंत पानी में डुबो दूंगा ना तो तुरंत सही हो जाएगा। एग्जाम्पल करके देखते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलो 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 ये अभी इसको ना हम पानी में डुबो के देखेंगे तो देखते हैं बल्कि कितनी देर में ठंडा हो जाता है। ठीक है अब मैं बाहर आ गया हूँ, बाहर कैंपर चलाएंगे। टूटी चलाना, टूटी टूटी चलाओ। हाँ इसको ला के देखेंगे। ये देखो चला दो चला दो। ये देखो मैंने इसके ऊपर ना ठंडा पानी डाल रहा हूँ, तो ये ठंडा पानी डालने पे बस बंद कर दो। ठंडा पानी डालने पे तुरंत जम गया ये। ठीक है ये चमको साहब ने हमारी हेल्प की है, जो गुंडे बने हुए हैं जाने के लिए तैयार। तो ये मैंने इसको ऐसे मैंने इसके ऊपर पानी डाला ना तो ये ठंडा हो गया। ठीक है ठंडा होने की वजह से ये एकदम ओके, एकदम ओके हो गया। ओके चमको साहब जा रहे हैं, जरूर जरूर। तो अभी ये है ना ठंडा हो गया, अब ये ओके है। अब मैं इसके साथ फ़ोन कैसे लगाऊंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये ओके एकदम जहर, बल्कि ग्रिपिंग के लिए जैसे ये थोड़ा बहुत है ना इसको मैं ब्लेड से सेट कर लूँगा, ब्लेड से या कैंची से, आप किसी से भी सेट कर सकते हो। जैसे ये थोड़ा बहुत निकला है ना ये ब्लेड अपना क्या मक्खन की तरह चलेगा। ये लो ओके ये डन डन। अब हम क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, हम इसको ऊपर माउंट कर सकते हैं मोबाइल पर। ये अंदर से थोड़ा अभी भी है तो मोबाइल के लिए। एक और बात, मेरा ना जियो की सिम बैटरी डाउन, मेरी जियो की सिम इसमें रहती है और इसमें देखो मिस कॉल्स कितनी आई है, 29 इसमें मिस कॉल आई हुई है। तो ये मेरा दुकान में पड़ा रहता है, ये मैं फ़ोन नहीं उठाता, अगर मैं फ़ोन उठाने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाए। तो ये देखो अब ग्रिपिंग के हिसाब से ये एकदम ओके है। ठीक है एकदम ओके, मतलब कि कोई ऐसे वैसे एकदम जुगाड़ी है, अपा जुगाड़ी है पूरे। ठीक है ना बातें करते हैं। एक चीज़ आपको टिप्स देता हूँ, अगर आपका सर्विस सेंटर वाला कोई आपकी प्रॉब्लम है जो कि सर्विस पता है कि हाँ भाई ये कंपनी का इशू है जो दूर करना चाहिए कंपनी को, और सर्विस सेंटर वाला आपको डील नहीं ढंग से करता, तो आप टोल फ्री पे कॉल करोगे। वो टोल फ्री जो नंबर होता है वो सबसे पावरफुल होता है इन सब की, मतलब कि वो मतलब कि हो सकता है कि वहाँ पे गलती है तो टोल फ्री के अगर आप किसी हेड से बात करोगे तो वो आपको, अगर आपका गलती है तो नहीं कुछ भी सोल्यूशन होगा, तो आपकी गलती है तो है, अगर आपकी गलती नहीं है तो सर्विस सेंटर से वो सही होगा। क्योंकि जो टोल फ्री है अगर आप वहाँ जाके उनकी बात भी करा दोगे कि ना ऐसे ऐसे करके इशू आ रहा है तो सर्विस सेंटर वाले बता देंगे कि हाँ ये इशू जेन्युइन है या फेक है, तो वो आपका जो प्रॉब्लम है वो 90% तक तो सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपका कोई इशू नहीं हो रहा हमारी जरा, अगर आपका कोई इशू नहीं है तो बस आगे शूट कर रहा हूँ। बाकी ये यहाँ पे ना मैंने यहाँ कोई और किसी का नाम लिखा हुआ था वो मिटाने के लिए यहाँ हार्ड बना दिया हमने। बाकी आपकी सबकी लाइफ बढ़िया चल रही है, तो चलो आज के लिए यही ब्लॉग काफ़ी है ना। तो नेक्स्ट हम डे में मैं आपको अनाउंस कर दूंगा जिन्होंने कमेंट में सही जवाब लिखा होगा, और उनको संपर्क कर लूँगा मैं खुद। ठीक है तो टेंशन नहीं लेनी, जल्दी जल्दी कमेंट करो। और हाँ इस ब्लॉग पे हम लाइक का टारगेट रख लेते हैं, 10 ज़्यादा नहीं होगा, 10 लाइक तो हो ही जाएंगे। बाकी मेरे लिए ये भी काफ़ी कि 10 लाइक हो जाए, ब्लॉगिंग का मुझे ABC नहीं पता, 10 लाइक हो जाए यही काफ़ी है। बाकी बाइक पे माउंट करना कैमरा आपको आ गया होगा, बाकी बस ये देखो मेरा कैमरा, एक्शन कैमरा, ये वाला बाइक पे माउंट किया हुआ कैमरा है, पर इसका जो केस होता है वो वाटरप्रूफ होता है, ये फोन कैमरा वाटरप्रूफ नहीं होता। तो बस आज के इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे और हम पानी पीते रहे। गर्मियाँ बहुत है, अपनी बॉडी में पानी की कमी मत होने देना। बाहर जा रहे हो कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय गन्ने का रस ज़्यादा प्रेफर है, उससे आपकी बीमारियाँ भी दूर होगी और बीमारी नहीं लगेगी। कोल्ड ड्रिंक में आपको उल्टा बीमारी लगेगी, आपको कुछ भी नुकसान हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक नुकसानदायक होती है यार, उसका ना ठंड पाती ना कुछ, पर गन्ने का रस में आयरन होता है और भी काफ़ी मिनरल्स विटामिन होते हैं और बहुत कुछ होता है, गन्ने का रस स्वाद भी होता है। तो बाय फ्रेंड्स, और सपोर्ट करते रहना, ब्लॉगिंग में क्या गलती है कमेंट करके बताना, और क्या और सुधार कर सकता हूँ वो भी ज़रूर बताना। तो कोशिश की है ब्लॉगिंग छोटी रहे, तो बाय। हाँ चलते चलते यार कैमरा बंद हो गया था, उसमें मुझे पता नहीं कितना शूट आया होगा।
तो बस शॉप में आ गए हैं, और शॉप का क्या शूट करना था, तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय।